ऐसे नबरिमें मुल्क मज डर सजस्ट कोज फाक कह टैक्स मैं तेजिस तीज रोजदारी अगर डाइजस्टिव सिस्टम निजाम हाजिमा खराब शपन वो रोजा रख के देख ले इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी निजाम हाजिमा डाइजस्टिव सिस्टम उसका ठीक हो जाएगा। अगर कैसे शुगर लेवल ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हाई बीपी आशस कसन अल्लाह पाक बचाइन अतिब्बा लिखते हैं डॉक्टर लिखते हैं सुधा रोजदारी ये सारी चीज गाने का वन वादी कश्मीर में फैटी लिवर सारे खुद बोल बार कोई भी टेस्ट करने के लिए जाए फैटी लिवर मैं नहीं समझता इल्ला माशाल्लाह ये खुदायन महफूज थे अक्सर बेशतर हर किसी को है और अतिब्बा लिखते हैं उस इंसान रोज दर रोज मुसलसल रेतस रेत बात कर नो टेस्ट फैटी लिवर मुतलिक अल्लाह का फजल अल्लाह का करम शामिल होगा इन ये तकलीफ के वो ठीक हो जाए डिप्रेशन अगर का शिकार है जो डॉक्टरों ने कहा है एक किताब लिखी गई है जेसन एलन कॉट ने लिखी है ये मगरबी ईसाई एक महक्की के इंग्लिश किताब फास्टिंग एज वे ऑफ लाइफ गोया की गौर समझाने से रोजर अगर तुम रुझो एमसी किसू ठीक रोजर अगर तुम रुझ डिप्रेशन सालिव रोजर रुझ कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रोजर अगर तुम रुझ ब्लड शुगर लेवल कम रोजर अगर तुम रुझ डिप्रेशन कम इम्यून सिस्टम बेहद फाल मजीद अत मिले तकवीत बाकी दर्द यम चीज चलो लेकिन हम मुसलमान होके रोजा न रखे तो ये हमारी बदनसीबी है। एलन कॉट लेखन पन्नी किताब में फास्टिंग ब्रिंग्स अ होलसम साइकोलॉजिकल रेस्ट फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नॉर्मलाइजेस मेटाबॉलिज्म इंसान ये कैसा सुलझलाओ खुदाई निजाम चांद थो निजामी मुदाफत डाइजेस्टिव सिस्टम या बाकी बॉडी हूं मेटाबॉलिज्म कैसा आस इंसान रोज दर रोज अमिस अल्लाह तबारक व तआला अत इमो रोजो जरिए हफाजत कर चाहे यकीन नबी ताजदार सदीस रब फरमान रोजदारी तुहदिस हकस मे बेहतर अगर तुम पता हमारे लिए बेहतर है लिहाजा इस पे अमल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला थे सलामत अल्लाह करीम थे सलामत।